आई विल स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, उस जमाने में ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि उस जमाने में ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल दो ही तरीके से प्राप्त किए जाते थे, फर्स्ट अर्थ क्रस्ट, सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिज्म या डेड एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। तो उस समय बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस, जिन्होंने एक थ्योरी दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन सिंथेसाइज ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, दे कैन नॉट सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी बाई आर्टिफिशियल मेथड। इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाए जा सकते हैं। वर्जिलियस का कहना था कि एक रहस्यमय बल होते हैं जिसके द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम वोलर साहब आए, उन्होंने क्या किया, एक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, जो कि खुद एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उन्होंने क्या किया, कुछ हीट उट किया होगा, जैसे हीट उट किया होगा उन्हें एक कंपाउंड मिला। इस कंपाउंड का नेम क्या था, यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में वोलर साहब ने अमोनियम साइनेट को हीट करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जिसका नेम क्या है, यूरिया बाय आर्टिफिशियल मेथड। इससे क्या हुआ कि बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। फिर आगे चलकर कोलबे साहब आए, उन्होंने कंपाउंड बनाया एस्टिक एसिड। इस तरह से धीरे धीरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता चला गया। फिर एक बड़ी समस्या आई कि हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन किया जाए। उसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ लोग ये भी कहते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास कार्बन होते हैं, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, आइसोसाइनेट, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जो हाइड्रोकार्बन और उनसे बने जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात यह आती है कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन मीन्स दे मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इट इज टू टाइप, फर्स्ट सैचुरेटेड एंड सेकेंड अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड आप कह सकते हैं, सैचुरेटेड मीन्स जैसे एल्केन, और अनसैचुरेटेड मीन्स जैसे एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन का मतलब होता है किसी भी कार्बन की चेन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एल्काइन का मतलब क्या होता है किसी भी कार्बन की चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे आप हमको देख रहे हैं तो हमारी आंखों में एक रेटिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है जो कि एक अमीनो एसिड का बना होता है, जिसकी वजह से आप हमको क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। तो आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से है, और कार्बोहाइड्रेट भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप जो ये कपड़े पहने हैं, ये पॉलीमर है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब एवरीडे लाइफ में जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही पार्ट है। तो एक और मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कंपाउंड्स इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आज की डेट में 2 करोड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हर दिन नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा रहे हैं, लैब में बनाए जा रहे हैं, नेचुरल बनाए जा रहे हैं। जबकि पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो 118 एलिमेंट है, अगर उसमें कार्बन को निकाल दिया जाए 117 एलिमेंट से जितने कंपाउंड बनेंगे लगभग 50,000 से 1,00,000 तक, अकेला कार्बन जो होता है वो 2 करोड़ से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। अब आप ये जानते हैं कार्बन के अंदर क्या स्पेशल फीचर होता है, तो सबसे बड़ा स्पेशल फीचर होता है कार्बन के अंदर कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। कैटिनेशन पावर मतलब चेन का फॉर्मेशन करना, जैसे लीनियर ब्रांच, या आप कह सकते हैं साइक्लिक, ये कार्बन के अंदर सबसे ज्यादा स्पेशल फीचर होता है कैटिनेशन पावर। और कार्बन के अंदर दूसरी सबसे ज्यादा एबिलिटी क्या होती है, कार्बन आर फाउंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब वो तीनों तरह का बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, कार्बन के साथ और अदर एटम के साथ भी, कार्बन के साथ भी और अदर एटम के साथ ही। ठीक है, ओके। जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप, तो कैटिनेशन पावर क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल डिफ्यूज होने लगता है, ऑर्बिटल डिफ्यूज इंक्रीज। डिफ्यूज का मतलब होता है शेप का बदलना, बिगर साइज। तो यदि देखा जाए कैटिनेशन पावर का ऑर्डर, तो कार्बन में सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन और फिर सल्फर।
सबसे ज्यादा कार्बन में, फिर सिलिकॉन में, फिर सल्फर में। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C5H12, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। फिर दूसरा होता है कंडेंस फॉर्म, मतलब उसे फैला दो। जैसे C5H12 को अगर कंडेंस फॉर्म में लिखना हो एज एग्जांपल, तो CH3, CH2, 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 CH3 कंडेंस फॉर्म में। केवल कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखना चाहिए। तीसरा होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब हर एटम के बीच में बॉन्ड दिखना चाहिए। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उसके चारों तरफ चार बॉन्ड होने चाहिए, चाहे सिंगल बॉन्ड से हो, चाहे डबल बॉन्ड से हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड से हो। इसी स्ट्रक्चर को यदि हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, तो 5 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, चार बॉन्ड उसके चारों तरफ होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, एक्सपेंडेड फॉर्म। और सबसे स्पेशल फॉर्म होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसे शॉर्टकट हम लोग बोलते हैं BLN। ये सबसे स्पेशल फॉर्म होता है, आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यदि इस एग्जाम्पल को BLN में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5। हर एक कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो अंडरस्टूड है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। बॉन्ड को काउंट करते हुए उसके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो जितने भी कार्बन है, चाहे डेप्थ में, चाहे स्ट्रीम में, चाहे पिक पे, सब के पास हाइड्रोजन है जो कि अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखना, कंडेंस फॉर्म, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखना चाहिए, एक्सपेंडेड फॉर्म, कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड दिखने चाहिए जितने भी एटम है, और BLN का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक लाइन बननी चाहिए। केवल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम लगा है उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने लिया है यन हेक्सेन, एन हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखते हैं पहले, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, C6H2n+2, 6 का डबल करेंगे 12, उसमें 2 जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H14। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इसको आप कंडेंस में लिखना चाहते हैं, कंडेंस फॉर्म में, तो 6 कार्बन के बीच में बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दीजिए, CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में क्या आ जाएगा? CH3। यदि आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे?
पहले छह कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। फिर प्रत्येक कार्बन के चारों तरफ चार बॉन्ड होने चाहिए, एक पहले से है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, अब फिर इसको यदि आप BLN में लिखना चाहते हैं तो केवल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, बाकी एटम को रिप्रेजेंट नहीं करना है। और हाइड्रोजन जो होता है वो अंडर इश्यूड होता है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एनहेक्सेन। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एमाइन। Thank you.